सर्दियों का मौसम आते ही हमें याद आती है लड्डुओं की, जिसमें हो बहुत सारा ड्राई फ्रूट, साथ में हो गुड़ की मिठास और गोंद का क्रंच। तो चलिए बनाते हैं ऐसे ही लड्डू। खास बात यह है कि इन लड्डुओं में हमने गोंद बिना फ्राई किए और साथ में जो ड्राई फ्रूट है उसे भी बिना टोस्ट किए हुए इसमें ऐड कर दिया। फिर भी ये लड्डू कैसे बनते हैं क्रंची, चलिए देखते हैं। एक मिक्सर जार में मैंने ऐड कर दी है 100 ग्राम डिंक या खाने वाला गोंद। तो इसे बारीक पीस लेना है हमें, बिल्कुल रवे की तरह इसका टेक्सचर होना चाहिए, जो सूजी होती है इस तरह ये दिखाई देगा। इसे हम ट्रांसफर कर देंगे एक बोल में। अब बारी है इसे फुलाने की। तो फुलाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच घी के। टोटल आधा कप घी में से मैं सिर्फ यहाँ पर 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करूँगी, बाकी घी हम लोग आटे की भुनाई में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह इसे मिला देना है और कम से कम इसे 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के लिए हमें फुलाने के लिए रख देना है। गोंद को इस तरह फुलाने से इसके कई गुण बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसे ढक के रख देते हैं और गैस पे चढ़ा देंगे एक मोटे तले की कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी मैंने उसी आधे कप में से यूज़ किया है। अब बारी है आटे की। आटा यहाँ पर मैंने मोटा पिसा हुआ लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर सूजी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास पतला वाला आटा है तो आप 2 चम्मच सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2.5 कप मोटा आटा इस्तेमाल किया है। तो गैस को कर देते हैं लो मीडियम पर और यहाँ पर कंटिन्यूसली इसको घुमाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। बीच बीच में मैंने ऐड कर दिया है 1/2 कप वाला घी। तो आप सोचेंगे मैं एक साथ यहाँ पर पूरा घी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भुनाई की हेल्प करने जितना ही घी मुझे चाहिए, बाकी सारा घी मैं कच्चा डालूँगी जो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फिलहाल 1/2 कप घी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लगभग 20 से 22 मिनट के बाद आटा हमारा 70% भुन गया है। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने की, क्योंकि इसे भी हमें रोस्ट करना है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करेंगे। तो इस स्टेज पे ड्राई नट्स डालने से होगा क्या कि वो ओवर रोस्ट भी नहीं होंगे और साथ ही साथ जो इसका क्रंचीनेस है वो बढ़ जाएगा गर्म आटे से मिलकर। तो 5 से 7 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप ग्रेटेड सूखा नारियल, उसके बाद 2 बड़े चम्मच सनफ्लावर सीड्स और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें पम्पकिन सीड्स के ऐड कर दिए हैं। इसे भी हमें तब तक भुनना है जब तक कि नारियल का कलर आटे के कलर से मैच नहीं हो जाता। आटा जब 75-80% रोस्ट हो जाए तभी नारियल को भी ऐड करना है, क्योंकि होगा क्या कि इससे नारियल ज़्यादा रोस्ट नहीं होगा और कड़वा नहीं लगेगा। तो देखिए बिल्कुल मैच हो गया है नारियल का कलर आटे के साथ, मतलब आटा भी हमारा 90% कुक हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच अलसी के सीड्स, 1 बड़ा चम्मच हलीम के सीड्स और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने खसखस के ऐड कर दिए। तो यहाँ पे अलसी, हलीम और खसखस बहुत ही गुणकारी हैं। हलीम के बीज दूर करते हैं खून की कमी और थकान को। फ्लैक्सीड में होता है बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड और बहुत सारा फाइबर। पॉपी सीड हेल्प करते हैं डाइजेशन में और साथ ही इसमें होते हैं पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़। 30 मिनट की रेस्ट के बाद गोंद भी अच्छे से फूल गया है, इसने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो चलिए इसे ऐड कर देते हैं भुने हुए आटे में। आटा भी 95% यहाँ पे भुन चुका है, तभी इसे इसमें ऐड करना है। गोंद को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 2 मिनट ही इसे इसमें मिक्स करते हुए पकाना है। आटे की भुनाई ख़त्म, गैस को कर देंगे ऑफ। ध्यान में रखिए गैस ऑफ करने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है और जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो इसे हम शिफ्ट कर देंगे एक बोल में। आटा पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल हाथ लगाने जितना जब इसका टेम्परेचर हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची और सौंठ, मतलब सूखे अदरक का पाउडर 1 चम्मच भर के। फाइनली इसमें ऐड कर देंगे 1 कप देसी गुड़। गुड़ की जगह आप यहाँ पर शक्कर का भूरा भी डाल सकते हैं। गुड़ मिठास के लिए एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, तो मैं प्रिफर करती हूँ कि हर मिठाई में गुड़ डाला जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डुओं का क्रंच बना रखने के लिए इसमें मैंने डायरेक्टली गुड़ को ऐड कर दिया। अगर आप इसको सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें आप गुड़ की चाशनी बनाकर डाल सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे घी, क्योंकि आटा अभी बाइंड नहीं हो रहा है, लड्डू इसमें से नहीं बन रहे, तो हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप घी। इसकी जगह पे आप यहाँ पर डाल सकते हैं 1/4 कप दूध, जो बॉईल करके ठंडा किया हो, लेकिन उसका शेल्फ लाइफ इतना ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए मैं घी डालना पसंद करती हूँ। और साथ ही कच्चा घी हमेशा पके हुए घी से ज़्यादा गुणकारी होता है। चलिए बांध लेते हैं इसके लड्डू। तो देखा कितने आसानी से हमारे न्यूट्रिशियस लड्डू बन गए, जो 1 महीने से भी ज़्यादा आप स्टोर करके रख सकते हो। तो ये लड्डू इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप इसी तरीके से बार बार बनाना पसंद करोगे। मिलते हैं ऐसी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।